गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज हम लोग अपने अगले टॉपिक की चर्चा करेंगे। और हम लोग यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत हम लोग ने फ्रांसीसी क्रांति देखी थी, और इसमें जर्मनी का एकीकरण और इटली का एकीकरण भी हम लोग ने देखा था। इसके बाद अगले टॉपिक पे हम लोग जब देखते हैं तो एक प्रमुख संधि हुई यूरोप में, और जिसको हम नाम देते हैं वीना संधि। अब ये वीना संधि इतनी पॉपुलर थी, तो आखिर इसमें क्या खास बात थी, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे कि ये वीना संधि क्या थी और इसको मुख्य रूप से इसको किस उद्देश्य में इसका काम लिया गया और इसमें क्या व्यवस्थाएं थी। तो यूरोप के जो भी देश थे, ब्रिटेन, रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया, ये जितने भी यूरोपीय देश थे, और इन शक्तियों ने 1815 में सम्मिलित रूप से इकट्ठा होकर के नेपोलियन को पराजित कर दिया था। और फिर इन जो विजेता देश थे, उनके प्रतिनिधियों ने एक व्यवस्था को प्रारंभ किया और एक समझौता तैयार करने के उद्देश्य से वियना नाम के स्थान पे ये इकट्ठा हुए मिले। और इस सम्मेलन की जो मेजबानी की वो ऑस्ट्रिया के चांसलर, उनका नाम था ड्यूक मेटरनिक, और इन्होंने इसकी मेजबानी की जो ऑस्ट्रिया के चांसलर थे। इसके अलावा इसके प्रतिनिधियों ने 1815 में वीना संधि तैयार की, और इसका उद्देश्य क्या था कि उन सारे बदलावों को खत्म कर दिया जाए जो नेपोलियन के युद्ध के समय में हुए थे। नेपोलियन ने जो भी बदलाव किए थे उन सबको खत्म कर दिया जाए। अब इसमें क्या क्या व्यवस्थाएं थीं, उन व्यवस्थाओं में फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए बोर्बो वंश को सत्ता में बहाल किया गया। फ्रांस ने उन इलाकों को खो दिया जिन पर कब्जा उसने नेपोलियन के अधीन किया था। इसके अलावा फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य कायम कर दिए गए ताकि भविष्य में फ्रांस अपना विस्तार ना कर सके, और फ्रांस के उत्तर में नीदरलैंड का राज स्थापित किया गया जिसमें बेल्जियम शामिल था, और दक्षिण में पीडमांट में जिनेवा जोड़ दिया गया। इसके बाद जो प्रशा था, तो प्रशा को उसकी पश्चिमी सीमा पर महत्वपूर्ण नए इलाके दे दिए गए, जबकि ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली का नियंत्रण सौंप दिया गया। इसके बाद नेपोलियन ने 39 राज्यों का जो जर्मन महासंघ स्थापित किया था उसको बनाए रखा गया, बरकरार रखा गया। साथ में पूर्व में रूस को पोलैंड का एक हिस्सा दे दिया गया, और जबकि प्रशा को मैक्सनी का एक हिस्सा प्रदान किया दिया। अब इन सब का मुख्य उद्देश्य था कि उन राजतंत्रों की बहाली कर देना जिन्हें नेपोलियन ने बर्खास्त कर दिया था, और साथ ही यूरोप में एक नई रूढ़वादी व्यवस्था कायम करने का लक्ष्य भी था। ये मुख्य रूप से वीना संधि थी। और इसके बाद हमारे ये सभी टॉपिक जिस पे हम लोग चर्चा कर रहे थे ये पूरे हो गए थे। इटली का एकीकरण भी हम लोग ने पढ़ लिया था, और इसके बाद उदारीकरण और राष्ट्रवाद भी देख लिया था। इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चन आंसर को आप देख लीजिएगा, कर लीजिएगा। कुछ ये शॉर्ट टर्म क्वेश्चंस भी हैं, ये भी छोटे हैं, इनको भी आप लोग देख लीजिएगा। और एनसीईआरटी से संबंधित ये कुछ टिप्पणियां हैं महत्वपूर्ण व्यक्तियों की, जो उस समय यूरोप में महत्वपूर्ण लोग थे उनके बारे में है, तो ये भी डिटेल आप लोग अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा, और इस तरह ये आपका जो लेसन है ये पूरा हो जाएगा। इसको कंप्लीट कर लीजिएगा और इसको हमारे नंबर पे आप चेक करा लीजिएगा, और साथ में जितना भी पिछला काम है भूगोल के खंड का और इतिहास के खंड का वो भी आप क्लियर कर लीजिएगा। इसके बाद आपका इसी से ही एग्जाम में पूछा जाएगा, और तब तक के लिए फिर हम लोग अब अगले लेसन में बढ़ेंगे, अगले टॉपिक में। तब तक